जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। ट्रांसपोर्ट नगर को नए तरीके से किस तरीके से डेवलप करना है उसको लेकर जेडीए की तरफ से काम अब स्टार्ट हो गया है और आस्ता आस्ता जो ट्रांसपोर्ट नगर की जगह है उसको कहीं ना कहीं अब जो है वो उसको खाली कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसको नए तरीके से डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर ड्रेनेज बनेगी और इसके अलावा अच्छी सड़कें बनेगी और भी जितनी सुख सुविधाएं नए ट्रांसपोर्ट नगर में होती हैं वैसी ही दी जाएंगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएँ हैं, आज हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में जो यहाँ पर मजदूरों के नेता हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शशि सियाल नाम है मेरा सर। शशि जी मुझे बताइए, जिस तरीके से आप लोग आज सुबह कहीं ना कहीं एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आज आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा था? हाँ चल ये रहा था कि पिछले काफ़ी दिनों से एक अफवाह उड़ रही थी अलग अलग तरीके से, यानी कि पता नहीं चल रहा था जहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक पार्किंग है ट्रकों की जो दिल्ली से आता है, बाहर श्रीनगर से आता है, कुछ भी आता है, जो जिनको गाड़ियों में माल नहीं भरा जाता, ऑल इंडिया से लोग आते हैं जहाँ पर स्टे करते हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ट्रक खड़े होते हैं और ट्रक खड़े होने के साथ ही जहाँ पर जो मार्केट है, जो जहाँ के दुकानदार हैं या ट्रांसपोर्टर हैं या बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन लोगों के काम यही से चलते थे, क्योंकि एक यही एक पार्किंग थी। इस पार्किंग को हटा के हमें यही डर लग रहा था कि कहीं पर ऐसा ना हो ये पार्किंग बिल्कुल ही चली जाए और उसके बाद जहां पर हज़ारों की तादाद में जो लोग काम करने वाले हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, जहाँ बड़ी दुकानों वाले हैं, वो सारों का काम जो ठप हो जाना था। कि अगर डिवेलपमेंट करनी है, जो नालियाँ बनानी हैं, रोड बनानी है या सड़कें बनानी हैं, तो तालमेल तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ की डिवेलपमेंट की बहुत खस्ता हालत है। इसका लिए हम वेलकम करते हैं जेडीए का भी, सरकार का भी। अगर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अगर पैसा खर्चने का मन बना लिया है जेडीए को अच्छा बनाना है, तो हम सब वेलकम करेंगे और जितनी भी रोडें हैं जहां काम लगेगा ऑटोमेटिक ही सभी को तालमेल करना पड़ेगा, खाली करनी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी। और उसके बावजूद भी अगर कहीं धोखा हो जाता है लोगों के साथ, कोई गलत नजायज बात हो जाती है, जो अड्डे में ऐसा कुछ करके शिफ्टिंग हो जाती है ट्रक अड्डा, तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेकार हो जाएंगे और सड़कों पर भी उतरने का होगा। जब कोई दिल्ली से है, कोई बम्बे से है या कलकत्ता से, कहीं से भी काम करने मजदूरी करने आए नरवाल में, ठीक है, कोई दिल्ली का, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कहीं का भी है, कमरे का किराया इस टाइम 4000 रुपये है। सही बात है, वो 4000 कहाँ निकालेगा, दो महीने अगर काम बंद हो गया तो। लोग नहीं चाहते हो कि इसकी डेवलपमेंट हो? डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी जगह करके करना चाहिए ना। सही बात है, चकदम खाली कर दोगे, गाड़ी तोड़ दिया तो रात को क्या छाते तोड़ा बरसात में। सर सबसे बड़ी बात ये है भाई, मार्केट में गाड़ी आएगी तभी काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। बम्बे से आए, चेन्नई से आए, गुवाहाटी से आए, कलकत्ते से आए, 3-4 दिन कंपनी माल नहीं खाली करेगी, चाहे खाली हो भी गया माल नहीं मिलेगा, वो कहाँ गाड़ी लगाएगा। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, करनी है, इतनी ना करनी चाहिए जितना इतना इन्होंने ग्राउंड लिया, इतना नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहा है अब तो पूरा एरिया लेना, अभी क्या है, अभी ये लिया जब काम लगे नीचे लग जाएंगे, ये तो गया ना नीचे लग जाएंगे, जब काम स्टार्ट हो वो भी जाएंगे, भाई गाड़ी लगने की जगह थोड़ी चाहिए ना, गाड़ी लगे तो अभी मिस्त्री काम करे, ऐसे क्या करेंगे मिस्त्री, ऐसे क्या करेंगे, गाड़ी लगी तो अभी काम चलेगा ना, तो गाड़ी नहीं आए मिस्त्री क्या करेंगे, इसके बाद कोई काम नहीं चलेगा। सर जो है मैकेनिकल, हम जैसे मजदूर दिहाड़ी लाने के लिए, सर हमने काम कैसे करना है, इधर कोई गाड़ी है नहीं, इधर गाड़ी कहाँ लगानी है, इधर काम तो करना ही है। सर आपको लगता है कि अब 2-4 महीने या साल जो लगेगा यहाँ पे काम, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा? हाँ सर, इधर है नहीं है, इधर हमने पेटी लगाई थी वो भी उठा दी किसने, वो भी जेडीओ वाले ने बोला वो भी उठा दी, अब काम कैसे करना सर, हमने इधर इतनी जगह मली हुई है, पहले थोड़ी थोड़ी करते थे, थोड़ी थोड़ी में साफ रहे ठीक हो जाते, कोई नहीं इधर सर, सारी मिस्त्री भी बेचारे खज्जल हो गए हैं सारे।